Hey guys, what's up? This is Kajal and welcome back to my channel. बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक बटन ज़रूर दबाना. डन, गुड जॉब. एज यू ऑल नो कि मैं गोवा में हूँ और मुझे समझ नहीं आता मैं क्या व्लॉग करूँ. डेली व्लॉगिंग से मैं तंग आ रही हूँ एंड मैं कुछ स्पेशल भी नहीं कर रही हूँ, बट आई एम श्योर यू गाइज आर इंटरेस्टेड टू नो माई फेवरेट प्लेसेज टू हैंग आउट एंड टू ईट इन गोवा. सो टूडे आई एम गो आई सो टूडे होता है यार. So today I am going to visit my favorite places in North Goa and मज़ा आने वाला है आज. ये मैंने ऐसे क्लिप्स कल मैंने ये बागा से लिए, बागा नहीं कल गुड बीच से लिए 100 रुपीज के एंड आई थिंक दे लुक क्यूट. और कुछ तो ओ मैं मस्कारा लगाना भूल गई, ठीक है ना. शिट, आई लाइनर, मोटा आई लाइनर लगाने के यही एक प्रॉब्लम है. शिट, ये हम हैं, ये हमारी कार है और यहाँ पारी नहीं हो रही है क्योंकि हमारी जो और एक फ्रेंड है आदिति उसको पुलिस वालों ने पकड़ लिया. क्यों? बिकॉज शी वाज ड्राइविंग विदाउट हेलमेट. एंड आप लोगों ने सलोनी संजू आदिति को मिल लिए, मीट माय टू न्यू फ्रेंड्स. दिख ही नहीं रहे. Aditi is sad today. Why, Aditi? मेरा गला बैठा है. थोड़ा आउटफिट फ्लॉन्ट वॉन्ट कर दे, शाइनिंग मार थोड़ी सी. सलोनी टोल टोल बाप रे. ओके, और ये मैं. Now we are here. This is my favorite place in Goa to eat, especially breakfast. And iska naam hai Baba Aurum. This is in Anjuna. And yahan pe you don't get Indian food, but you get some amazing French food. I think French food. Haan, it's a French cafe, right? You get amazing shakes, amazing food, and if you're vegan, then you have lots of option here. So let's go and eat some of my favorite dishes here. Bhai, tere mere glass kaise lag rahe hain? एक बात नोटिस की कि मुझे कैमरा पकड़ना अब पता चला है, वरना अभी तक मैं पूरे व्लॉग ऐसे कर रही थी. अब पता चला है कि इसको ऐसे पकड़ना है, बेटर व्यू, बेटर मी. आ तो गए हम यहाँ पे, बट देयर इज वेटिंग बिकॉज इट्स अ पॉपुलर प्लेस एंड यू गेट नाइस फूड एंड नाइस एम्बियंस. तो वेटिंग है तो हमको रुकना पड़ेगा एंड आई थिंक वेट यहाँ का वर्थ इट होगा बिकॉज यहाँ का फूड एम्बियंस इज रियली नाइस एंड आई कांट वेट टू शो यू ऑल. वेटिंग फॉर 20 मिनट्स, नॉट बैड 20 मिनट्स, हमको जगह मिल गई है एंड नाउ लेट्स सी व्हाट विल बी ऑर्डर. आई थिंक आई हैव सम क्रूज़ा एंड सम मिल्क. हियर इज माय ड्रिंक एंड ये कितनी क्यूट लग रही है. बहुत सोना था. Amazing.
माई फेवरेट डिजर्ट लेमन चाट. डन विद आवर ब्रेकफेस्ट एंड हमारा बिल कुछ अराउंड 3,700 रुपीज हुआ. बट इट वॉज वर्थ इट. वहाँ का प्राइसिंग इज मॉडरेट, नॉट वेरी एक्सपेंसिव, नॉट वेरी सस्ता, बट मॉडरेट. एंड हम लोग 7 लोग थे तो इन टोटल कुछ आई थिंक 540 रुपीज़ पर पर्सन आया. सो अफोर्डेबल था हमारे लिए तो. एंड इतना खा लिया दैट अभी पेट फुल हो गया, पता नहीं कहाँ जाना है. वैसे तो प्लान कुछ और था कि हमारा ब्रेकफास्ट यहाँ पे, बट अभी यहाँ पे 1 बज गया हमारा ब्रेकफास्ट करते करते, बिकॉज वेटिंग था. ऊपर से हम लोग खाते खाते बहुत टाइम लगा लिए. ये मुझे हॉर्न बजा के बोल रहे चल आ जा. लेट्स सी अब मैं नेक्स्ट क्या करती हूँ. आई एम श्योर कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग होगा. Now we are at my favorite place to chill, which is Wagator. ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है. Let me show you all. इतनी ज़्यादा धूप है लेकिन फिर भी धूप धूप लग नहीं रही है क्योंकि इतनी मस्त हवा चल रही है ना, ठंडी ठंडी हवा. Wagator बीच. हम लोग वहाँ पे ऊपर थे और वहाँ पे इतनी गर्मी थी दैट वी केम हियर. एंड नाउ ये जो छाता है दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, व्हाटएवर. ये छाता है, रुको दिखा दो. छाते के नीचे हम चिल कर रहे हैं. बहुत गर्मी है. इट्स अ बैड डिसीजन टू बी ऑन अ बीच एट 2 o'clock. Here we are at Fat Fish. यहाँ usually crabs होते हैं जो आज नहीं है, छुट्टी पे है. Okay, vegetarians will mind. So, hi guys, this is Saloni, Kajal's friend, and वो भी फिलहाल ATM गई है, बाहर दिख नहीं रहा है. अच्छा, बहुत धूप है, बहुत गर्मी है, हम literally fry हो गए हैं जैसे भी निकले हैं घूमने के लिए तो भी. And say hi to Vicky. And it is my personal suggestion to everybody कि सिर्फ cash carry मत करो, क्योंकि यहाँ पे ATMs का बहुत scene है. 1 hour later. And yeah, that's it. Have a good day. Hi guys, it's another day and हम कल रात हो गए थे शिवा वैली एंड दैट प्लेस वॉज टू ट्रिपी. तो मेरा फर्स्ट टाइम था वहाँ पे तो मैं कुछ वहाँ पे शूट नहीं कर पाई, बट एज अ एक्सपीरियंस वॉज अ नाइस एक्सपीरियंस और मज़ा आया. शिवा वैली मज़ा आया ना विक्की? जूम क्यों किया है? अभी हम आए हैं फिश थाली खाने, विच इज़ माई फेवरेट थिंग टू डू इन गोवा. एंड ये ऐसे रैंडमली एक रेस्टोरेंट में आए हैं, बहुत क्यूट है. लेट मी शो यू ऑल. और यहाँ पे छोटा सा बार काउंटर, पॉइंट, और ये कीप्स अ टेबल. एंड लेट्स सी हाउ इज द फूड हियर. एंड आवर फिश थाली इज हियर एंड इट लुक्स डिलीशियस. एंड यहाँ का स्टाफ तो और भी ज़्यादा क्यूट है. अभी अभी हम आए हैं कलंगुट एंड मुझे यहाँ पे शॉपिंग करना बहुत पसंद है. एंड बिकॉज लाइट उल्टे डिरेक्शन में है, मैं उल्टी चल रही हूँ.
हम यहाँ पे ढूंढ रहे परफेक्ट आउटफिट बिकॉज गोवा आके गोवन ड्रेसेस ही पहनने गोवन बट जो हम नॉर्मल प्लेसेस पे नहीं पहन सकते वो हम यहाँ पे पहन सकते हैं समथिंग फ्लोरल समथिंग सेक्सी जैसे आज इसने पहना है जैसे आज मैंने पहना है देखते कुछ मिलता है या नहीं क्योर्स करते हैं उधर आ ना गाइस मेरे साथ बहुत बड़ी चीटिंग हुई है मैंने संजू को संजू ने ये वाली कोन ली थी उसने मेरे को टेस्ट करने दी तो मैंने भी उसको मेरी इन रिटर्न टेस्ट करने दी आइसक्रीम और इस गधे ने देखो क्या किया सनसेट वाला तो सीन लेट्स सी द फक बस डालता हूँ गाइज आपने ऑसवर्ल्ड को देखा है ब्लू कलर का आइए अब मैं तुमको पतला ऑसवर्ल्ड दिखाती हूँ व्हाइट कलर का छोटी सी टोपी के साथ दिखा ओके तो हम अभी लास्ट डेस्टिनेशन पे आए थे थलासा विच इज़ माई फेवरेट प्लेस टू बी हियर एंड हमारे साथ बहुत बड़ा पोपट हो गया है हमने रिजर्वेशन नहीं किए थे हमें बजाय 6 एंड वो कह रहे कि हमें 2 घंटे तक टेबल नहीं मिलेगा सॉरी 7 बजे है 2 घंटे तक तो टेबल नहीं मिलेगा सो इट्स वेस्ट कि हम 2 घंटे यहाँ पे ऐसे ही रुके सो यहाँ पे और एक कैफे है जो सिमिलर है या अच्छा है तो हम वहाँ जाने वाले हैं अभी और एक पर्सनल सजेशन फ्रॉम मी ऑल्सो कि अगर आपको थलासा आना है गोवा आके तो प्रायर रिजर्वेशन करके आना सो वी आर हियर एंड लुक एट द व्यू थलासा से भी सिमिलर व्यू है एंड ये जो यहाँ पे लाइट है दैट इज थलासा बट टेबल नहीं मिला एनी वे दिस इज ऑल्सो प्रिटी गुड विकी कैसा लगा ये नाइस ना सुपर इतना पीसफुल है कहाँ गया दीदी कैसा है बहुत पीसफुल ना बहुत इसका कैफे का नाम क्या है संजू क्या नाम है जेम्सन इज अ ब्रांड दारू का डिफिकल्ट नाम है गाइस मैं यहाँ पे लिख दूंगी क्या नाम है आप देख लेना हाँ एस्लावी समथिंग लाइक दैट हाँ ओके गाइस मेरे को सबसे वर्ल्ड के सबसे बेस्ट दोस्त मिले हैं इन्होंने मेरे लिए केक लाया है बिकॉज़ इट्स माय बर्थडे मंथ ये देखो थैंक यू चलो लेट्स कट द केक हाय गाइस तो आप सोच रहे होगे बीच में मैं ऐसे हालत में क्यों आ गई ओके बिफोर आई टेल यू दैट मैं इस वीडियो का आउट्रो शूट करना भूल गई थी तो मैं अभी शूट कर रही हूँ एंड डिस्क्लेमर ये वीडियो मैंने मार्च मंथ में शूट किया था एंड अभी टाइम मिला है मुझे एडिट करके डालने का एंड मैंने बहुत एंजॉय किया इन गोवा मैं कुछ फ्रेंड्स के साथ गई थी जिनके साथ मैंने ऐसी फ्रेंडशिप एक्सपेक्ट नहीं की थी बट इट टर्नड आउट वेल एंड मैंने इतना एंजॉय किया वहाँ पे कि मैं ज़्यादा देर कैमरा के सामने थी नहीं मैं बस खुद में एंजॉय कर रही थी बहुत मज़ा आया एंड बहुत सारे न्यू फ्रेंड्स बने निशांत आर्यन आकाश दीप एंड कोई भूल रही हूँ क्या हाँ सलोनी अदिति संजू तो है ही दोस्तों बहुत बहुत मज़ा आया एंड रही बात वाई आई एम सो इनएक्टिव एंड वाई ये इतनी ओल्ड वीडियो अभी डाली मैंने तो दैट इज़ बिकॉज आई हैव टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोरोना कोरोना तो मुझे अभी हुआ है बट वीडियो तो पहले बनी थी मार्च में लेकिन आई वॉज कॉट अप विद माई सम अदर वर्क दैट्स वाई मैं एडिट करके डाल नहीं पा रही थी एज ऑफ नाउ आई एम कीपिंग ओके मुझे ऑलरेडी 18 डेज हो गए हैं होम क्वारंटीन होके एंड स्टिल थोड़े बहुत सिम्टम्स है बट आई एम रिकवरिंग एंड सून मैं एकदम
मतलब नेगेटिव होके निकलने वाली हूँ पॉजिटिव एनर्जी के साथ, एंड तब मैं टोटली एक्टिव रहूँगी. बट मैं फिर भी कोशिश कर रही हूँ कि मैं कंटेंट बनाऊँ, कुछ छोटा मोटा ऑन इंस्टाग्राम में कुछ ना कुछ पोस्ट कर रही हूँ, बट ऑन यूट्यूब नहीं हो पा रहा है. बट आई प्रोमिस जैसे मुझे और बेटर फील होगा मैं कुछ ना कुछ अच्छा ऑन यूट्यूब डालूंगी. तब तक आप सब मुझे सपोर्ट करते रहिए, मेरी ओल्ड वीडियोस देखते रहिए, शेयर करते रहिए. रीच बहुत ही ड्रास्टिकली ड्रॉप हुई है मेरी ऑन एवरी प्लेटफॉर्म, बस आप ही हेल्प कर सकते हो और मैं तो मेरा 100% दूंगी टू एंटरटेन यू ऑल. थैंक यू सो मच. इफ यू लाइक माई वीडियोज लाइक कॉमेंट शेयर सब्सक्राइब एंड शेयर एज मच एज यू कैन एंड सी यू सून.